कई बार ऐसा नहीं लगता, आपको भी लगता होगा कि नए बच्चे कह नहीं पाते होंगे, जो नए कंपोजर्स हैं, नए सिंगर्स हैं, वो कहते कहते होते होंगे कि अब पाजी अब कुछ जरा बद्रीनाथ केदारनाथ में जगह ले लीजिए, बहुत हो गया। मतलब 25-30 साल हो गए आप जगह छोड़ने को तैयार ही नहीं है, तो थकान वकान मन में है या अभी और कुछ? जो जो मेरी मन की सोच है, जो अंदर दिलो दिमाग में, मुझे लगता है कि अभी जो भी लोग आ रहे हैं बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा है, पर मुझे लग रहा है कि मेरी अभी बिगनिंग होनी है और ये सब थोड़े बुज़ुर्ग हैं और मुझे अभी एंट्री करनी है और बहुत बड़ा नाम कमाना है, ये सोचता हूँ। क्या बात है, मतलब इसे कहते हैं ये क्रिएटिविटी की भूख है, इसके लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। अक्सर लोगों को पता नहीं है कि आपकी जो परवरिश है संगीत की वो घरानों से होके आई है और आपकी गुरु परंपरा गज़ल, मतलब गज़ल से शुरुआत की दलेर मेहंदी साहब ने, कम लोगों को पता है। पहला फिल्मी ब्रेक कैसे मिला? पहला फिल्मी ब्रेक मुझे मिला जब मेरी बोलो तारारा बहुत हिट हो गई, बहुत ज़्यादा, और फिर दूसरा गाना आया डर दी रब रब। जैसे ये गाना बहुत हिट हुआ तो मुझे एक दिन फोन आया मेरे मोबाइल में और बोले कि सत श्रीकाल, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। ओह क्या बात है। और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? क्या बात है। तो जब उन्होंने जब मैंने आवाज़ सुनी, और क्योंकि तो मैं उनका फ़ैन हूँ, फ़ैन था, फ़ैन रहूँगा, तो बचपन से मतलब जिनके हम लोग एक्शन करते हैं उनके पोस्टरों के सामने, या मैंने कोई शायद कोई फिल्म छोड़ी हो उनकी छोटी सी उम्र से, किसी ने भी नहीं छोड़ी, जाना देखना। अब एकदम ऐसे आवाज़ आनी और मैंने कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए सच्ची बोली मुझे लगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और कुछ ज़मीन ऐसे हिल रही है लगा, और मैंने बोला कि किसी को भी ऐसे फ़ोन करके आप कभी मत बोलो कि मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, अगर कोई और होता तो उससे हार्ट अटैक हो जाता, ये मेरा पहला वर्ड। तो वो बड़े अच्छे अंदाज में, जैसे उनका वो हंसते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे, आप बस बॉम्बे आ जाइए। और संयोग से ऐसा था कि मेरी तारा रारा एल्बम आने से पहले मैंने एक साल में 370 शो किए थे। 370 शो तारा रारा से पहले। तो उस वक्त तो और कमाल हाल था, तो मैंने कहा सर मैं आ तो जाऊंगा लेकिन कल नहीं, मेरे पास 3 महीने बाद टाइम है आने का। अमिताभ बच्चन साहब को भी पता चला होगा कि कोई और भी सुपर हीरो है। तो वो बहुत हंसे, बहुत जोर से हंसे। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप अपने जो बुकिंग डायरी है वो हमें भिजवा दीजिए, हम उसमें फिर डेट निकालते हैं। तो मैंने कहा सर मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं वो भी भिजवा दूंगा लेकिन 3 महीने बाद मेरा टाइम है। तो उन्होंने 3 महीने इंतज़ार किया। क्या बात है, वाह, तो बड़ी बात है।